श्रुति जल्दी करो यार, कितना टाइम लगाओगी, लेट हो रहा है। चलो ऑफिस के लिए लेट हो जाओ, चलो चलो चलो। अच्छा चलो ऑफिस से खाना खाने के लिए जाते हो। शिट यार, कितना घर फैला हुआ है। हाय प्रिया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तू बता। अच्छा मैं अभी मेल चेक करती हूँ। कहाँ थी यार, उससे बेल बजा रहा हूँ। आज क्या बना रहा बेबी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो मैं डिनर लगाती हूँ। क्या हुआ श्रुति? सब ठीक है। पापा का फोन आया था आज, पूछ रहे थे मुझसे श्रुति कैसी है। मैंने बोला मोटी होती यार ये आपकी लड़की, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। कह रहे थे तुमसे बात करने को कि मैं घर जाऊं तुमसे बात कराऊं। ठीक है मैं कल फोन कर लूंगी। क्या हुआ श्रुति, तुम इतना कोई कोई सी क्यों साउंड कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी क्या हुआ, बेबी को मूड ऑफ है क्या? बेबी गाइस क्या हुआ श्रुति? अच्छा चलो ना, आप क्या कैसे करते हो? उठ जाओ यार, कितना सोगी, लेट हो रहा है यार, लंच नहीं देना क्या? उठो ना यार, कितना टाइम लगाओगी? श्रुति मैं जा रहा हूं। श्रुति श्रुति सही है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं है समीर। अच्छा चलो ना यार, आज कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। नहीं समीर मेरा मन नहीं है। क्या हुआ क्या है यार तुम्हें, दो दिन से इतना ऑकवर्ड क्यों रिएक्ट कर रही हो?
कोई बात है तो शेयर करो, क्या इश्यू बना रखा है ये। श्रुति आ जाओ, तुम्हारा फेवरेट खाना मंगाया है। ना कुछ कह रही हो ना कुछ बता रही हो, अरे कोई बात है तो कहो ना यार। इसमें अपसेट होने की क्या बात है श्रुति, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, नॉर्मली तो पूछा था। समीर तुमने वो कल की न्यूज़ देखी, वो छोटी बच्ची की? हाँ देखा मैंने। बहुत दुख हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कर ही कह सकते हैं श्रुति कि ऐसी ही एक छोटी बच्ची मैं भी हूँ, क्या तब भी तुम्हारा यही जवाब होगा? क्या कह रही हो श्रुति? कि तुम कर भी क्या सकते हो? हाँ सर, मैं 9 साल की थी, मेरे पड़ोस में वो अंकल थे, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उस आदमी की शक्ल गायब सी हो चुकी थी और उसकी जगह एक भेड़िया ने ले ली थी। मेरा रोना, दर्द के मारे चीखना, जैसे उसे सुकून सा पहुंचा रहा था। बस ये समझ लो वो वक्त मेरी जिंदगी का ऐसा वक्त था जो कभी भी याद आता है तो वही भेड़िया, वही दर्द मेरी आंखों के सामने आ जाता है। जब ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई तो बजाय मेरी मदद करने के उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। समाज के नाम पे मुझे डराया गया। तो क्या चाहती तुम? तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे क्या लगता है, क्या मतलब? वही जो तुम्हारे मम्मी पापा ने किया, भूल जाओ इस बात को श्रुति। समीर तब मैं छोटी थी, मजबूर थी, पर आज नहीं। Are you mad? नहीं नहीं नहीं, Are you seriously mad? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, और बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, थोड़ी देर हो गई। समीर तुम मेरा साथ दो या ना दो, पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम चाहती क्या हो श्रुति? क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? मैं अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे उस अंकल को ढूंढूं? कहां ढूंढेंगे हम उसे जाके? और फिर उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगाएं? और उसके कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद क्या बोलेंगे? क्या बोलूं मैं दुनिया वालों को कि माय वाइफ हैज बीन रेप्ड? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। श्रुति जाओ यार, तुमसे बात करने के कारण देवी बना के पूज के बस धर्म ये निभा दिया, फिर करके इज्जत तार तार शैतानी रूप दिखा दिया। नन्ही बच्ची को अब परियों की कहानी नहीं सुनाती हूं मैं, घर के बाहर किसी से बात मत करना ये बताती हूं मैं।